मनावर में मुहर्रम का त्योहार बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया गया। दो साल तक कोरोना काल की गाइडलाइन की वजह से ताजिया बाहर नहीं निकाल पाए थे। मुस्लिम समुदाय व अन्य समाज के लगभग 40 से 50 ताजिया बनाए गए थे। यहां ताजियों में आकर्षक लाइटिंग लगाई गई। ताजियों के जुलूस में अखाड़े के युवाओं ने करतब दिखाए। खास बात यह थी कि मुस्लिम समाज के अलावा हिंदू समाज, वाल्मीकि समाज के भी ताजिये बनते हैं। यही खूबसूरती है मनावर के ताजियों की। यही गंगा जमुनी तहसीब है और इस मुहर्रम पर शासन व पुलिस प्रशासन की चाक चौबंद सुरक्षा व्यवस्था देखी गई। मेरा नाम सलीम खान एडवोकेट, मनावर में मुस्लिम शहर सदर हूँ मैं। जैसा कि हर वर्ष मुहर्रम का पर्व मनाया जाता है, उसी अनुसार इस वर्ष भी मनावर में मुहर्रम का पर्व मनाया गया। हम आदिवाल वाल्मीकि समाज से, ये तो पीढ़ी दर पीढ़ी बनता आ रहा है। हमारे दादा बनाते थे, उनके बाद में मेरे पापा, उसके बाद में हम लोग इस परम्परा को निभा रहे हैं। मेरा नाम जाफर मनियार है। इस ताजिए का काम चालू करते थे हम बकराईद के बाद। बकराईद से काम चलता है, पूरा परिवार कारोबार सब बंद कर ताजिया बनाने लग जाते हैं। कम से कम डेढ़ महीना काम चलता है इसका। पूरा काम करने के बाद पूरा सीजन वीजन सब बंद कर पूरा परिवार दिलो जान लगा देता है इसके अंदर। और इस बार हर तरीके से रोजे बनाए अपन ने सब अलग अलग।